गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 9:30 बजे का ये टाइम है। मैं लेके गई थी ध्रुव को छत पे घुमाने के लिए, बिकॉज मौसम बहुत दिन के बाद आज बहुत अच्छा हो गया है और थोड़ा ठंडा भी हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं ध्रुव को लेके गई थी ना छत पे, तो ये खेलते टाइम पे गिर गया था और इसके कपड़े सारे भीग गए थे। तो बस ये इसको लेकर आ गई हूँ सीधा बाथरूम में, और साथ साथ में मेरा भी देखिए नहाना धोना सब बेकार हो जाता है जब मैं ध्रुव को नहलाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ मैं नहला रही हूँ उसको हल्के वॉर्म पानी में, ताकि मौसम की जो ठंडक है वो बाबू को महसूस ना हो। और हल्का गर्म कर लिया है पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा था ताज़ा ताज़ा, तो बस उसमें थोड़ा सा डेटॉल ऐड करके और हाइजीन के साथ साथ प्रोटेक्टिव भी रखना बहुत ज़रूरी रहता है बच्चों को। और ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं सबसे ज़रूरी मेरा काम यही होता है कि मैं ध्रुव को पूरा कंफर्टेबल कर दूँ हर तरफ से, खाने से लेके खेल से लेके। और बस वो थोड़ी देर अपना कार्टून देखेगा, उसके बाद वो सो जाएगा फीड लेके, और लगभग 12-1 बजे वो सो जाता है। लेकिन आज पता नहीं सोएगा नहीं सोएगा, बिकॉज मौसम इतना ज़्यादा सुहावना हो गया है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है और काफ़ी ज़्यादा राहत मिल गई है गर्मी से। और आज मैंने निकाल ली है फ्रिज से सारी सब्जियां जो बची हुई थी, और बहुत टाइम से इनको सोच रही थी आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। और हस्बैंड चले गए हैं काम पे अपना, तो काम उनका अभी चल नहीं रहा है। फ़ोन आया था लेकिन चल सकता है दिन में, तो अभी वो आएंगे नहीं, आएंगे शाम को ही। तो बस यहाँ पे मैं अपना बना ले रही हूँ, सबसे पहले सब्ज़ी बना के रख दूँगी और जब वो आ जाएंगे तब गर्मा गर्म बनाऊँगी चपाती। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है सरसों ऑयल। इस तरह की सब्ज़ी, अगर हम सरसों ऑयल और सब्ज़ी घर में कोई भी हो ना, उसको आप सरसों ऑयल में बनाएंगे तो उसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। कुछ बहनें कहती हैं कि सरसों ऑयल में से ना बहुत ज़्यादा झड़ आती है और आँखों में लगती है, तो आप सरसों ऑयल डाल के ना थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर देंगे तो बिल्कुल भी झड़ नहीं आएगी और उसका जितना भी तीखापन होता है वो कम हो जाता है काफ़ी हद तक। उसके बाद देखिए मैंने इसमें तड़का ऐड कर दिया है। रेसिपी में कोई भी बनाऊँ और हींग और जीरा बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है रेसिपी में। और मौसम देख के ऐसा लग रहा था कि आज कुछ ऐसा बनाऊं जो आप सब भी देख के हैरान हो जाओ और मैं भी खा के खुश हो जाऊं, साथ में हस्बैंड देख के सरप्राइज़ हो जाएं कि आज क्या बनाया है। मन बहुत था कि कुछ अच्छा सा बनाऊं जो कभी नहीं बनाया हो, बारिश का मौसम है लाइक, तो पहले तो सोच रही थी पूरी भाजी बनाऊंगी, लेकिन हस्बैंड घर पे होते तभी मज़ा आता खाने में, अकेले क्या मज़ा करना खा के। तो इसीलिए मैंने सारी जितनी भी बची कुची ये सब्जियां थी ना फ्रिज में, शिमला मिर्च रखी हुई थी बहुत टाइम से, और ये भिंडी मैंने बचा के रखी थी कि फ्राई भिंडी बनाऊंगी किसी टाइम पे, लेकिन और आ जाएंगी ताज़ा। तो मैंने सोचा आज चलो कुछ हेल्दी बना लेते हैं, बारिश के मौसम में भी थोड़ा बहुत सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को पहले 80% कुक कर लिया है, उसके बाद ही सारे मसालों को ऐड किया है। सूखी सब्ज़ी बनाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि जब भी आप इस तरह की वेजिटेबल्स बनाएं ना, तो उसको फ्राई करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसे तड़के में ही थोड़ा सा भून लीजिए नमक ऐड करके, और बहुत ही इजीली आपकी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मिक्स वेज अगर आप शादियों वाली बनती देख लेंगे ना, तो कभी भी नहीं खा पाएंगे। फिलहाल देखिए शाम का टाइम हो गया था और मैंने शाम को ही कैमरा उठाया था, दोपहर को मैंने सब्ज़ी बना के रख दी थी और हस्बैंड आ गए थे। और आज ये लेकर आए हैं आम, तो सीज़न के पहले आम मेरे रसोई में आए हैं आज, बहुत टाइम से नहीं आ पाए क्योंकि हमारे यहाँ पे ना आम बहुत ज़्यादा लेट आया है। वैसे तो ये उत्तराखंड है तो आम का तो यहाँ भरमार होती है, आप सबको पता है कि लखनऊ के दूसरे नंबर पे ही ये उत्तराखंड आता है फलों के नाम पे कहा जाए, खासकर आम के नाम पे, तो आम लखनऊ पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे हमारा ये उत्तराखंड ही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे फल फ्रूट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत टाइम से अभी आम नहीं आया था, लेकिन अभी भी ये डाल वाला आम नहीं है, ये पूरा कार्बेट से पकाया हुआ जो घर पे होममेड रेमेडी से पकाते हैं ना, वही वाला आम है। तो ये था हमारा नाइट का डिनर, तो उसके बाद हम डिनर करके और सो गए थे। बारिश चल रही थी लगातार, धीमे धीमे हो रही थी, और अब मैं मिल रही हूँ आप सभी को नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो ये सुबह का वीडियो है और सुबह आके सबसे पहले मैंने वीडियो शूट किया है, उसके बाद ही नीचे आई, अपना नहा धो भी ली थी, पूजा वगैरह सब काम हो गए थे, और बना रही थी यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे, बिकॉज हस्बैंड आज घर पर ही हैं। तो मैंने कहा था कि आज क्या बना लूँ, तो आज खुद से ही उन्होंने कहा है, मेरा
कोई इसमें हाथ नहीं है, फरमाइश मेरी कुछ भी नहीं है पराठा बनाने की। तो कहा है कि पराठे बना लो गर्मा गर्म, बारिश का मौसम हो रहा है, तो पूरी बनाने से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि आप पराठा बना के खा लो। तो यहाँ बना रही हूँ मैं देसी घी के करारा करारा गर्मा गर्म पराठा, बहुत ही यमी एंड मज़ेदार। तो बारिश के मौसम में पूरी पराठे, ये सबका तो ट्रेंड रहता ही है हमारे इंडिया में ना, बहुत ज़्यादा रहता है सच पूछो तो। और अभी ये जो ट्रेंड है वो इधर उधर मतलब विदेशों में भी होने लगा है कि बारिश का मौसम हो रहा है तो कुछ ऑयली बना के खाना होता है। फिलहाल यहाँ पे चाय हो गई है बनके तैयार और हस्बैंड भी नहा लिए हैं, और मैं बार बार बाहर देख रही थी कि मौसम अभी कैसा हो रहा है, बारिश कितना तेज़ हो रही है। बारिश होती है तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और गर्मी से राहत रहती है। तो आजकल मैं फुल डे नाइट सूट में ही रहने वाली थी, क्योंकि बारिश के मौसम में बार बार पानी गिरता है ना नीचे, तो फिर मुझे वो समेटना पड़ता है और कपड़े पहनना मुश्किल है, और मुझे बाहर भी जाना होता है छत पे बारिश को देखने, बारिश में भीगने। तो मैं ज़्यादातर नाइट सूट में रहना ही पसंद करती हूँ। तो सुबह का टाइम था और मैं नहा के पूजा करके मैंने फिर से अपना टी शर्ट लोवर डाल लिया था, और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मैं महसूस कर रही थी। यहाँ पे गर्मा गर्म चाय थी तैयार और थोड़ी सी रखी हुई थी ये पनीर वाली सब्ज़ी, जिस दिन भाई आया था तो तभी की रखी हुई थी, सारा नहीं खाया था हमने, तो थोड़ा ही खाया था। उसके बाद ये दोपहर का टाइम था तो मुझे तो भूख थी नहीं, बिकॉज़ सुबह में हमने पराठे खा लिए थे, तो मैंने कहा मैं तो खाऊंगी नहीं, आपको कुछ खाना है तो मैं बना देती हूँ। तो फरमाइश हो गई थी कि मैगी बना दो थोड़ा सा, तो यहाँ पे बस ऑनियन और थोड़ा सा ग्रीन चिली काट के मैंने यहाँ पे मैगी बना दिया है। और मैगी में ज़्यादातर मैं सोया बड़ी डाल के इनको बनाती हूँ, क्योंकि इनको बहुत पसंद है सोया बड़ी वाली मैगी। लेकिन आज जल्दबाजी में बना रही हूँ, काम कुछ और थे मुझे, तो सबसे पहले सोचा कि मैगी बना के दे देती हूँ, उसके बाद ही अपने बाकी के काम निपटाऊँगी। और मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल भी बॉइल्ड मैगी खाना नहीं चाहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ज़्यादातर उनको मसाले वाली मैगी बनाकर देती हूँ। और मुझे ना कुछ भैया दीदी के कमेंट्स भी आते थे पहले कि आप मैगी बहुत खाते हो, मैगी मत बनाया करो। तो हस्बैंड को मैगी बहुत पसंद है और वो कभी कभार इस तरह की मैगी ज़रूर खाते हैं, तो मैं जब भी बनाती हूँ ना आप सबसे शेयर करती हूँ, इसीलिए आपको लगता होगा कि आप मैगी बहुत खाते हो। बट मैं ज़्यादा मैगी बिल्कुल नहीं खाती, जब से वेट लूज़ किया है तब से तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, और थोड़ा बहुत खाना भी होता है तो बस इनके साथ में ही थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो देखिए साथ में मैंने यहाँ पे मैंगोज़ काट लिए हैं जो रात को ये लेकर आए थे, तो मैंने फ्रिज में ठंडे करने के लिए रख दिए थे, धुल के पानी में ऐड करके इनको। और थोड़ा सा यहाँ पे एक खीरा रखा हुआ था वो भी काट लिया है, तो मैगी खाने के बाद हम इस तरह की चीज़ें खा लेंगे ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा मैगी मैंने भी ले लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है इनके लिए। और डिनर तो आज बनेगा ही नहीं मेरे यहाँ पे, क्योंकि यही हम लोग खा लेंगे, और टाइम अभी लगभग 3:30 का हो रहा था, तो 4 तक तो हम लोग इसे ही खा के निपटे थे। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान मंगवाने के लिए यहाँ लिस्ट बनाई थी, और हस्बैंड से भी डिस्कस कर रही थी कि कितना लाना है, और उनसे भी पूछना ज़रूरी रहता है, बिकॉज़ जो थोड़ा बहुत रहता है कि खर्चा जो भी होता है उनको अपने हिसाब से करना होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे उसकी क्वांटिटी लिख रही थी जो भी मुझे सामान मंगवाना होता है। और देखिए यहाँ पे ये ले आए थे समोसे और जलेबी, और बारिश के मौसम में इस तरह का नाश्ता बहुत ही मज़ा आता है खा के। तो आ जाइए आप सब भी, मीठी मीठी यहाँ पे जलेबी है और गरम गरम चटपटे से समोसे खा के मज़ा आ गया था आज बहुत दिन के बाद मिले, क्योंकि बारिश बहुत दिन के बाद हुई थी। और जब भी बारिश होती है मेरे हस्बैंड ज़रूर लेकर आते हैं इस तरह का कोई भी फूड है, तो यहाँ हमारे यहाँ पे घर पे ही बनाए जाते हैं ये, कोई घर पे बनाते हैं अंकल वहीं से लाते हैं। तो ध्रुव जलेबी और समोसे तो लाया ही था, साथ में अपने लिए गाड़ी भी ले आया था। तो आज का ब्लॉग मैं करूँगी यहीं पे एंड, और मिलूँगी आप सबसे कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। और आज का दिन जो है हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा, बिकॉज़ बारिश की वजह से जलेबी समोसे भी खाने मिले और यमी यमी मैगी भी मिली खाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे कल के एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।